हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए। ठीक है, इस पर्सन के ट्रूली इस पर्सन के हार्ट में आपके लिए क्या चलता है, क्या सोचता रहता है, क्या फीलिंग्स डेवलप होती रहती हैं। हम दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन जो आपको कहता है वो नहीं, या जो आपसे डिस्कस करता है वो नहीं, जो इसके दिल में है, जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के दिल में चलता है आपको लेकर, हम उस पर रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक आपके पर्सन के दिल में है क्या, है एक्चुअल फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के दिल की। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए है क्या। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, तो कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, जितनी रेजोनेट करती है आप उतनी रखें। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंस्टाग्राम को भी जाके चेक कर लें, वहाँ पर भी रील्स अपलोड हैं। अगर आप लोगों को वहाँ पर शॉर्ट रीडिंग्स देखनी है तो वो भी देख लें। ठीक है, ओके। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल में क्या है, आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर क्या है, इस पर्सन के दिल की एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये पर्सन कितना बेचैन होता है, कितना सोचता है आपको लेकर, क्या चलता है इस पर्सन के दिल में आपको लेकर 24/7 क्या चलता है। 10 of Cups, आप इसके दिल को वो ख्वाब देखने पे मजबूर करते हैं, वो ड्रीम देखने पे मजबूर करते हैं जिसमें फैमिली है। ठीक है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें खुशियाँ हैं, जिसमें ये पर्सन अपने किड्स, अपनी हैप्पीनेस, अपनी लाइफ देख सकता है। ठीक है, आपका आपके जो पार्टनर का दिल है, अब मैं नहीं जानती जो उनके एक एक्शन है या एक्चुअल जो उनका बिहेवियर है आपके साथ क्या है, लेकिन इस पर्सन का दिल जैसे आपको एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह देखता है, जैसे एक ड्रीम देखने पे मजबूर करता है, एक ड्रीम दिखाता है इस पर्सन का दिल। ये जब भी आपको सोचता है, जब भी आपको देखता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस की तरह आप हैं। ठीक है, किसी की भी लाइफ में परफेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप काफ़ी हैं। बिल्कुल, लेकिन ये पर्सन का दिल चाहता है अगर आप इस पर्सन की लाइफ में हो तो ये पर्सन आपको डोमिनेट करे। ठीक है, अपर हैंड इसका रहे। इस पर मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल में क्या है, आपकी इमोशनल साइड ये पर्सन बहुत पसंद करता है, जो आपका एक इमोशनल टच है, जो आपका एक इमोशनल नेचर है, जो आप जितना मतलब कि आप जैसे इस पर्सन को इमोशंस अपने देते हैं। ठीक है, आपकी इमोशनल साइड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये पर्सन सोचने पे मजबूर होता है आपकी इमोशनल साइड को देख कर के, आप आपका जो एक इमोशनल नेचर है ना, जो एक केयरिंग नेचर है और एक समझने वाला और केयर करने वाला इमोशनल पर्सन है, आप एक इमोशनल पार्टनर हैं आप इस पर्सन के लिए। लेकिन कोई इमोशनल लॉस है आप लोग के बीच, इस पर्सन को किसी तरीके का रिग्रेट होता है, किसी तरीके का लॉस होता है, किस मतलब के डिस्टर्ब रहता है ये मेंटली। डबल, ये पर्सन पास्ट में किसी तरीके का टॉक्सिक बिहेवियर कर चुका है। ठीक है, या तो ये बहुत टॉक्सिक टॉक्सिक कनेक्शन कर चुका है आपके साथ, एक टॉक्सिसिटी ने निभाई है या टॉक्सिसिटी रखी है, किसी तरीके का लॉस है यहाँ पर। इमोशनली ये पर्सन ऐसा लगता, इस पर्सन को ऐसा लगता है जितना आपने इस पर्सन को दिया, इस पर्सन के दिल में ये चीज़ चलती, जितना आपने प्रोवाइड करा, जितना आप इमोशनल रहे, जितना आप अनकंडीशनल रहे इसके लिए, जो इमोशंस मतलब कि आप इमोशनल पर्सन थे तो इतने इमोशंस आप जगा सके इसके दिल में, ये पर्सन इतना कुछ आपको दे नहीं सका और इसने उसके अपोजिट जाकर आपको खो दिया या आपको लॉस कर दिया, या मतलब कि इधर होप बची है आप लोग के रिलेशनशिप में। अगर यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, अब कोई ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो सकेगा, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप शायद अभी भी माफ़ कर दें अगर ये पर्सन एक एक बैलेंस और एक सीरियस पर्सन और एक बहुत प्योर पर्सन की तरह आपकी तरफ अगर मूव करे, अगर आपके साथ ये एक क्लैरिटी के साथ आए, अगर आपके साथ ये एक जेन्युइन पर्सन बनकर आए, एक लॉयल पर्सन बनकर आए, तो आप यहाँ पर इस पर्सन को एक और चांस दे सकते हैं। क्योंकि एक आप बाय बर्थ, एक बाय नेचर एक इमोशनल पर्सन है, एक इमोशनल एक टच है, एक मदर जैसे केयर करती है, आप मेल या फीमेल है, लेकिन आप बहुत एक आपने प्योर लव करा है, एक ऑनेस्ट लव रहा है, आपने कोई झल कपट नहीं या कोई ऑप्शंस नहीं या कोई नेगेटिविटी नहीं माइंड में, आपने कभी भी इस पर्सन के लिए गलत नहीं सोचा, तो आप इसको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता शायद वो जो वक्त था, वो जो गुजर गया, एक लॉस नेगेटिविटी पर्सन अक्सर सोचता है। ठीक है,
इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिस्टर्ब हो गई, पर्सन कंफ्यूज रहता है, या तो मतलब कि कंफ्यूज रहता है ये किस तरफ इस रिश्ते को लेकर जाए, लेकिन इसका ड्रीम है इधर 10 of Cups का, क्यों यहाँ पर, मतलब कि कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, शायद ये आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है तब भी नहीं बना पाता, हम क्लैरिफाई और करेंगे। डेथ एंड रीबर्थ, इसको अपने सेल्फ में कोई चेंज लेकर आना है, शायद ये कमिटमेंट से भागता रहा है, कमिटमेंट फोबिक नहीं है, ठीक है, मतलब कि कमिटमेंट फोबिक रहा है, कमिटमेंट से कोई इसको प्रॉब्लम रही है, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, आप जो इमोशनल रख रहे हैं आप वो शॉर्ट टर्म के लिए तो रख नहीं रहे, आप शॉर्ट टाइम के लिए तो रख नहीं रहे, आपको यहाँ पर इस पर्सन को एक मतलब कि हैंग आउट तो करने के लिए अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना, आपको एक लॉन्ग टर्म चाहिए, और ये पर्सन शायद बहुत टाइम तक एक ऑनलाइन डेटिंग, बहुत ज़्यादा मतलब के फन फ्लर्ट करना, लोगों के साथ कनेक्टेड रहना, मतलब इसका नेचर रहा, इसको या तो यहाँ पर एक कमिटमेंट वाला पर्सन बनना पड़ेगा, इसको सोच समझ कर इन इमोशंस को इसको वैल्यू देनी पड़ेगी, इस पर्सन के दिल में ये चलता है, अगर यहाँ पर आपकी तरफ मूव करना है तो एक इसको आपके इमोशंस को वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकता ये, अगर यहाँ पर इसको आपकी तरफ आना है तो कुछ चेंज कर आना है, अपने ऑप्शंस को ख़त्म कर आपकी तरफ मूव करना है, ठीक है, आपके पर्सन का दिल ये कहता है, ठीक है, अपने माइंड गेम्स को ख़त्म करना पड़ेगा, अपने नेचर को चेंज करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, तो आपके पर्सन के अंदर आपके पर्सन को ऐसा लगता है अपने अंदर इस पर्सन को कुछ बदलना पड़ेगा, ये इस नेचर से, इस बिहेवियर से आपकी तरफ मूव नहीं कर सकता, या इस तरीके से आपको अप्रोच नहीं कर सकता ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचता है, एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब भी है ये पर्सन, इमोशनली इसको जो सपोर्ट आप देते थे उसकी नीड है, ठीक है, चाहे इसने एक्सेप्ट की है या नहीं की है, लेकिन उस इमोशनल नीड की इस इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपने इसका साथ दिया, जिस तरीके से आपने इसको प्रोटेक्ट करा, वो सब कुछ इसको चाहिए, लेकिन इसको वो चीज़ चाहिए तो इसको बदलना पड़ेगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि आप इस तरीके के पर्सन नहीं हैं, बिल्कुल, देखें एक स्टेबिलिटी की बात आ गई, इसको कुछ आपको स्टेबल ग्राउंडेड देना पड़ेगा, अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार नहीं, तो उसको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि इसको आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड क्लैरिटी देनी पड़ेगी, अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हैं बहुत टाइम से, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप का, फ्यूचर क्या है, ये आपसे आपके लिए क्या फील करता है, ये आपके साथ क्या चाहता है इन फ्यूचर, इसका मैरिज का प्लान है या नहीं, आपके इसको किसी तरीके की आपको लेकर क्लैरिटी देनी पड़ेगी, एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर देना पड़ेगा, आपके लिए श्योर होना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट इसको आपका ट्रस्ट विन करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस कर चुका है कुछ ना कुछ यहाँ पर, ये अपनी इमेच्योरिटी में, अपनी नेगेटिविटी में, अपने एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में ये कुछ खो चुका है इस रिश्ते में, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपना जो आपने इसके ऊपर ट्रस्ट किया था वो सब कुछ खो चुका है, इसको आपकी तरफ आने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, इसको इस पर्सन को एक नेगेटिव मेल है या फीमेल है, ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा है, आपको फ्रॉड ग्रांटेड लेता रहा है, आपके लिए कभी भी डिटरमाइंड होकर कोई एक्शन नहीं लिया इसने, आपको कभी भी, आपने हमेशा एक सॉलिड इस पर्सन के लिए हमेशा जो भी करा जेन्युइन होके करा, जो भी करा बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट नहीं था, मतलब कि बहुत आपने एक्शंस लिए हैं, आपने इसको जैसे ट्रस्ट दिलाया कि आप इसको लव करते हैं, आपने इसको ट्रस्ट दिलाया कि आप इसके लिए लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, इसने ऐसा कोई एक्ट नहीं करा कि आपको ट्रस्ट हो, हाँ ये आपके साथ फ्यूचर या ज़िंदगी देखता है, अब आप क्लैरिटी चाहते हैं, बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है, एक इन एंड आउट की एनर्जी में रहा है, कभी भी इसने आपके साथ एक बैलेंस नहीं रखा है, इस पर्सन के दिल में और क्या है, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी तरफ आना है तो कुछ स्टेबल ऑफर लेकर आना पड़ेगा, बिल्कुल चॉइसेस हैं तो उनको सबको साइड करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन है तो उसको साइड करना पड़ेगा, डे ड्रीम है तो उसको साइड करना पड़ेगा, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच, कोई प्रैक्टिकल प्लान रखना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, देखें वो वाला फेस कंप्लीट हो चुका है, एक क्लोजर मिल चुका है, एक क्लोज हो चुका है, एक कन्फ्यूजन का फेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सप्लोर करने वाली एनर्जी से निकलना पड़ेगा, आपको एक कि इसकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, और भी लोगों को ट्राई कर देगा, मतलब कि एक फेस अपने आप को मैच्योर करके आपकी तरफ आना पड़ेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, या आपको वो सपोर्ट देनी पड़ेगी, फीमेल है या मेल है, इसने वो सपोर्ट नहीं दी है जो एक सामने वाला हमारा स्पाउस देता है, जो हमारा अदर हाफ देता है, जो हमारा पार्टनर देता है, तो इस पर्सन को कम्प्लीटली सिनेरियो अपने आप को 360 डिग्री का चेंज देना पड़ेगा, इस पर्सन के दिल में ये चलता है अगर आपकी तरफ मूव करना है बहुत जेन्युइन और एक स्टेबल और एक बैलेंस अप्रोच देनी पड़ेगी, क्योंकि आप अब फजूल की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, और ये आपकी ये जानता है
और आप इस तरीके के नेगेटिव इंसान को डिज़र्व भी नहीं करते, आप किसी बैलेंस स्टेबल मेच्योर पर्सन को डिज़र्व करते हैं। ठीक है, ये पर्सन ये बात समझ चुका है, ये पर्सन आपको जानता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं। इसको अपनी कन्फ्यूजन को ख़त्म करके आना पड़ेगा, पास्ट को रिलीज़ कर आना पड़ेगा, कोई पास्ट रहा है तो जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं तो सबको निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से अगर आपकी तरफ आना है तो, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते। किसको जैसे एक जेन्युइनली इसके दिल से आवाज़ आती है कि आप वो वाला इंसान नहीं है कि आपके साथ खेले और चार लोगों को और रखें। ठीक है, इस पर्सन को पता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, सेवन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन मिला है, इसने स्पिरिचुअली कोई लर्निंग करी, इसने देखा है कि आपने कितना वेट करा, इसने देखा है कि आपने कितना एफर्ट करा है, कितना काम करा, आप कितना कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, आप कितना डिस्टर्ब रहे हैं यहाँ पर, आपने कितना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में रहे, आपने आप लेकिन आप प्रैक्टिकल, आप एक स्टेबल कि आप जेन्युइन रहे, आपने कभी भी इस पर्सन अगर 10 साल पहले कनेक्शन था तो 10 साल पहले ये आपकी साल बाद भी आपकी विश ही है ये कनेक्शन, आप नहीं बदले, आपने खुद को नहीं बदला, आप वेट कर रहे थे, आप कंफ्यूज थे, आप हमेशा से वेट करते रहे इस मैरिज ऑफर का, इस कनेक्टिविटी का, इस पर्सन के समझने का अपने आप को, लेकिन अपने आपने कोई रिवेंज नहीं लिया या आप बदले नहीं, आपकी सोच नहीं बदली, आपकी सोल नहीं बदली, आपका प्यार में आ रही है, आप डिजर्व करते हैं इसका प्यार, इस पर्सन के दिल में ये बात है, आप डिजर्व करते हैं इसका ये लव। ठीक है, जानता है कि आप एक डिजर्विंग पार्टनर हैं, ऐसा हो सकता है ये बहुत ज़्यादा जैसे आपके लव को पहले वो वैल्यू वो अहमियत नहीं दे सका, लेकिन एक टावर की तरह एक रियलाइजेशन है, जैसे डिवाइन इंटरवेंशन है, ये पर्सन सोचने पे मजबूर है इस कनेक्शन को लेकर, इसके रिलेशनशिप की एक इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, ये पर्सन जैसे सोचे जा रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा एक हर्मिट जोन में, इसको आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे बैलेंस लॉयल ऑनेस्ट या एक जिस तरीके का क्या होगा, जाहिर है जब आपको इसने एक फोर ग्रांटेड लिया तो एक एक्सप्लोर भी करता रहा है टाइम टू टाइम, लेकिन इसको आप जैसा पर्सन इसको मिल ही नहीं सका, चाहे कितना ही आपके पार्टनर राइट नाउ मतलब के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी अलाइन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली भी बैलेंस हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर आपके पर्सन इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, या इंट्यूशन या ड्रीम का आपके पार्टनर के मतलब के ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पार्टनर के ड्रीम। ठीक है, और देखते हैं और क्या हो रहा है। Clarify Ten of Cups, यहाँ पे Ten of Cups की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन आपके साथ कोई सेकेंड चांस रिक्स टेकिंग चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन एक रिक्स टेकिंग लेना चाहता है, कभी भी इसने अगर आपको अपनी तरफ से सेकंड चांस नहीं दिया तो ये पर्सन किसी तरीके का सेकंड चांस चाहता है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में फोर ऑफ कप्स, आप काफी इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर नर्वस हो चुके हैं, आपका ड्रीम तो था टेन ऑफ कप्स लेकिन आप काफी नर्वस हैं, इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं लेकिन ये पर्सन जो है ना कभी भी उन चॉइसेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई एंडिंग हुई आप लोग के बीच, इसने एक्सेप्ट नहीं करा आपका ऑफर, जो आप बार बार इसको रिपीटेड वे में दे रहे थे वो ऑफर इसने कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करा, ये इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, उदास है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एनर्जी पर वर्क कर रहा है, फाइनेंसिस इसके लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर, प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिकल एनर्जी को बहुत ज़्यादा ये मतलब कि एक वैल्यू देता रहा है, आपसे ज़्यादा इसको अपनी फाइनेंशियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, अपना बैलेंस रहना, अपने आप को मेंटेन रखना वो ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन एक एंडिंग हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहा है इस रिश्ते का एंड इसके लिए एक मतलब कि कुछ बहुत इसको लेसन्स देखकर ये जो लेसन इसको मिला है ना, जो आपकी आपकी सूरत में जो इसको एक लेसन मिला है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसके लिए वो था, ठीक है, वो लेसन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा पेन रहा उस लेसन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रही,
डिस्टर्ब सिचुएशन रही, लेकिन कुछ यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा इसके लाइफ में ऑप्शंस होते हुए भी इस पर्सन को सिर्फ आपका ख्याल आ रहा है। अगर ये मैरिज करने जा रहा है, कमिटमेंट का सोच रहा है, ये रिलेशनशिप भी एंड हो चुका है और इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को समझ में आ चुका है कितना गलत रहा है, ठीक है। और कुछ मतलब कि अपनी लाइफ में कोई चीज़ इसको ऐसी नहीं लग रही जो आपको 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 बीट कर सके, ठीक है। या हर इंसान में आप जैसा इंसान ढूंढना चाहता है, आप जैसा पर्सन ढूंढता है, आप जैसा नेचर ढूंढता है, कंपेयर करता है लोगों को आपसे, क्या आप जो आप में था वो एक पर्सन भी सामने वाले पर्सन में है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन जो इसका इसको जैसे इसके दिल को जो आपके साथ जो एक इमेजिनेशन में एक टेन ऑफ कप्स मिलता है ना, वो उस ड्रीम को सेटिस्फाई सिर्फ आप कर पाए अब तक, ठीक है। उसके करीब करीब कोई पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। ये पर्सन ये चीज सोचता है। मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको रिटर्न अपनी लाइफ में, एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, ट्रिक्स्टर बना हुआ है, मैनिफेस्टेशन करता है, लेकिन एक्शन लेना बहुत मुश्किल है इसका। अपने इस माइंडसेट से बाहर निकलना और आपको एक अप्रोच करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन, सारे टूल्स हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकता है, बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसको डाउट है, इसको नहीं पता। अगर ये इसी मतलब कि अगर आपकी तरफ एक्शन ले, अगर आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपकी तरफ इसने खुद से एक्शन लिया और अगर आपकी अप्रोच मतलब कि आपने एक्सेप्ट ना किया तो कुछ ट्रिक्स्टर वाली एनर्जी है ये। हर पॉसिबल कोशिश करता है कि अप्रोच आपकी तरफ से आ जाए, ठीक है। इसको कोई एक्शन लेना ना पड़े या इसको शो करना ना पड़े, जब तक कि अपने आप को अपनी फीलिंग्स को अपने थॉट को हाइड कर सकता है करे, क्योंकि इसको और वक्त मिल जाएगा आपके लिए सोचने का, डिसीजन लेने का, ठीक है। ये इमोशनली कहीं ब्लॉक है, इमोशनली ब्लॉक है, इमोशनली स्टक है ये पर्सन, इमोशनली ट्रस्ट करा नहीं जाता या ट्रस्ट इश्यूज हैं। इसने इमोशनली कोई अपनी लाइफ में बैक स्टेपिंग देखी है आपसे पहले, कोई इमोशनली ओपन अप होने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ये हमेशा खुद को पीछे रखता है, इमोशनली एक्सप्लेन करना, इमोशनली ओपन अप होना, मतलब के अपने आप को वनरेबल शो करना, सामने वाले को पता चल जाए इसके अंदर ज़रा भी इंटरेस्ट है, ये तो मतलब कि ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सामने वाले इस पर्सन को ऐसा लगता है ये वीकनेस है और इसका कोई फायदा उठाएगा, ठीक है। ये इमोशनली ओपन अप होने को इस तरीके से देखता है, इमोशनली ओपन अप होना जैसे कि एक वीकनेस है। ब्लॉक फील कर रहा है अपने आप को, इमोशनली ब्लॉक फील कर रहा है। फाइव ऑफ पैंटिकल, बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेफ्ट इन द कोल्ड है आपके बिना, एक अकेलापन और पीस ना होना, सेटिस्फेक्शन ना होना, और एक डेथ मतलब कि सृष्टि की एंडिंग इस पर्सन को जैसे डिस्टर्ब कर रही है। डेथ एंड रीबर्थ, एक रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। आपके पर्सन को ये अकेलापन सिखा रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्यों किया ऐसा। ये पर्सन जैसे एक हर्मिट जोन में है, बात नहीं कर रहा, साइलेंट है, अपनी लाइफ में भी अकेले है। इस पर्सन को नीड भी है फिर भी कोई नहीं है, क्योंकि दिमाग से माइंड से समझ में इतना कोई नहीं आता, ट्रस्ट किया जाता नहीं है, आपको खो दिया बेवकूफ़ियों की वजह से, मेचोरिटी की वजह से। आप इससे जो है ना, ये वो वाला पर्सन है, आप इससे एक कैजुअल डेटिंग करा लें, ठीक है। कैजुअली नॉर्मली बातचीत कर लेते हैं, एज अ फ्रेंड रह लेते हैं, कोई लेबल नहीं देते कनेक्शन को, कोई नाम नहीं देते, कोई टैग नहीं लगाते, और नॉर्मली हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी और जो सारे कनेक्शंस में होता है वो सब कुछ करेंगे हम, लेकिन हम किसी रिलेशनशिप में नहीं है। ये इस तरीके के कनेक्शन निभाता आया है, ठीक है। मतलब कि किसी को भी इसने कुछ भी एक बैलेंस और मतलब कि बहुत ज्यादा स्टेबल प्रोवाइड नहीं करा है, ठीक है। ये वो वाला पर्सन है, इस पर्सन का दिल जैसे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपके लिए हील हो रहा है, आपके लिए एक कनेक्टिविटी फील कर रहा है। इमोशनली इस पर्सन का दिल आपके लिए बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, ठीक है। अगर इस पर्सन के अंदर आपके लिए, इस पर्सन के माइंड में आपके लिए कोई नेगेटिविटी थी, कोई टॉक्सिसिटी थी, तो वो चेंज होकर अनकंडीशनल लव में डेवलप हो रही है, ठीक है। एक अनकंडीशनल लव, हीलिंग, इसका सेल्फ बदल रहा है इमोशनली। अगर ये अनहील था तो हील हो रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई थिंक तीन चाहिए थे, तीन ही हैं, ले लें, ओके। कभी हम ऐसे लेते नहीं है क्योंकि ये सब एक साथ आए। ये पर्सन आपके साथ कोई स्टेबिलिटी चाहता है, आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग ना होके भी कनेक्टेड है, कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। शायद आप भी अपनी लाइफ में एक स्टेबल कमिटमेंट की तरफ मूव नहीं कर पा रहे, और ये पर्सन भी, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्शन है, ठीक है।
कंफ्यूजन, ये जो कंफ्यूजन रही है ना वो बैलेंस होने वाली है, एक जस्टिस आने वाला है इन कंफ्यूजन पे, एक क्लैरिटी आने वाली, कोई न्यू फेज आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट हो रहा है, आप जिस फेज का वेट कर रहे हैं कब से कि फेज कब स्टार्ट होगा, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन जो रही है या आपको लेकर जो कंफ्यूजन रही है उसके ऊपर जस्टिस आ रहा है। ये पर्सन अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, कोई डाउट था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको लेकर, बहुत कंफ्यूज क्लाउडेड रहा ये, या आपको टॉक्सिक समझ रहा था, या आपको एक नेगेटिव पर्सन समझ रहा था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपने इसको समझा, इसने आपको समझा, इसको लगा कि आप इसकी ज़िंदगी को प्रॉब्लम में डाल देंगे, और आपको लगा, आपको बहुत ज़्यादा समझने के बाद ऐसा लगा कि आपके लिए टॉक्सिक है, और आपको इस पर्सन को, ये पर्सन ने जब आपको जाना नहीं था, ये आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, इसको आप टॉक्सिक लग रहे थे, लेकिन एक अटैचमेंट है आप लोग के बीच, नेगेटिव रही पॉजिटिव रही, रिश्ता कैसा भी रहा, रनर चेजर करा, लेकिन एक अटैचमेंट है, आप नहीं होते तो ये आपकी कमी फील करता है, आप इस पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में ये नहीं होता तो आप कमी फील करते हैं इस पर्सन की, आपको एक खिंचाव है, आप लोग के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, लेकिन जो भी कंफ्यूजन थी, अगर यहाँ पर आप सही थे तो इस पर्सन को क्लैरिटी नजर आएगी, आपके लिए एक पॉजिटिव रास्ता नजर आएगा, आपके लिए ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहेगा, आपके साथ बैलेंस करना चाहेगा, जैसे आप जस्टिस का टाइम है, ठीक है, एक जस्टिस रिकॉल, एक जस्टिस कॉल हो रहा है इस रिलेशनशिप में, एक जस्टिस के बाद, एक बैलेंस के बाद, एक इंसाफ के बाद एक न्यू फेज स्टार्ट होगा। अब वो जस्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने कुछ जो इसको डाउट्स हैं, जो एक नेगेटिविटीज के माइंड में एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, इसकी टॉक्सिसिटी थी तो वो भी रिवील हो जाएगी आपके सामने, अगर आपकी टॉक्सिसिटी थी तो वो भी रिवील हो जाएगी, लेकिन एक फेज स्टार्ट होगा नया, ठीक है, मतलब कि जो एक इन एंड आउट वेट करना, आना जाना, टॉक्सिक स्टक रहना, उसकी लाइफ में कोई है वहाँ पे स्टॉकिंग करना, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो देखना, ये सब एंड होने वाली कहानी, ठीक है, जो लाइफ आपकी स्टक हुई हुई थी बहुत टाइम से, बहुत सालों से, वो एक रिलीव आ रहा है, एक रिलीज आ रहा है, मतलब कि एक आप लोग को समझने का, सोचने का तरीका मिल रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं आप दोनों, ये आपको जैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन का दिल और क्या कहता है आपको लेकर। आपके पार्टनर का दिल, भाई आपके पर्सन आपके लिए वो करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, अगर यहाँ पर आप एक मतलब कि आपके साथ किसी तरीके का न्यू फेज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर ये पर्सन टॉक्सिक समझ रहा था, यहाँ पे टॉक्सिसिटी कुछ और ही थी, इस कमिटमेंट के लिए बीच में टॉक्सिसिटी कुछ और ही रही है, इसका नेगेटिव थॉट भी हो सकता है, लेकिन ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि आपके बिना ये अकेला फील कर रहा है, आपको लेकर ये पर्सन पॉजिटिव हो रहा है, हील हो रहा है, पास में हील नहीं था, ठीक है, ये सेफ नहीं समझ रहा था आपको, यहाँ पर प्यार करना या ओपन अप होना, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे ये पर्सन ओपन अप हो, जो उसके दिल में है वो बात करे, ठीक है, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप कब से चाह रहे थे, ठीक है, ये पर्सन ओपन योर हार्ट एंड टू गिव एंड रिसीव एंड लव, ठीक है, बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ठीक है, इट इज सेफ फॉर योर टू लव, ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को समझ में आ रहा है ये सेफ है आपके साथ लव करना, आपके साथ ओपन अप होना, आपके साथ कनेक्ट रहना है, ये सेफ रहेगा, मतलब कि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, मुझे यहाँ पर इस कार्ड से समझ में आ रहा है एक ट्रस्ट इश्यूज का मैटर रहा है आप लोग के बीच, ठीक है, किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू लव भी एंटर कर सकता है, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, यहाँ पे एक वेटिंग चल रही है, लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है, आप लोग के फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोग के फ्रेंड भी सब चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, मैंने कहा ना आप लोग कब से वेट कर रहे हैं, कन्वर्जेशन आपकी तरफ मूव कर रही है, एक ऑनेस्टली यहाँ पे डिस्कशन होने वाली है, ऑनेस्टली आप लोग अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बताने वाले हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, एक ऑनेस्ट फीलिंग्स आप लोग की रिवील होने वाली है इस पर्सन की, ठीक है, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इशू, आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए थे, या आप भी इस पर्सन को किसी तरीके से कंट्रोल करना चाह रहे थे, वो लेट गो करें, वो कंट्रोल इशू से बाहर आए, ठीक है, यहाँ पे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोग कहीं पास्ट टाइम से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, पास्ट लाइफ रिलेशन